हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी रेसिपी जिसका नाम है मेदू बड़ा। आप चाहे तो इसमें इसे बच्चों के लिए टिफ़िन पैक कर सकते हैं और सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लहसुन लिए हैं जो 5 कली हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है, हरा धनिया और प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च और नमक और काली मिर्च, और ये हमने उड़द की दाल ली हुई है जिसको हमने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया था, और इसको अच्छे से हमने वॉश कर लिया है, देखिए पानी निकाल के इसका, और अब हम इसे मिक्स में पीसेंगे। मैंने इसको 6 से 7 घंटे भिगोया है क्योंकि मैं इसे सुबह में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसको रात में भिगो लिया था। और आप चाहे तो इसको, आपके पास जैसे टाइम नहीं है तो आप इसको 2 घंटे भिगो सकते हैं, 2 घंटे भिगोने में भी काफ़ी अच्छे मेदू बड़ा बनेंगे। और इसको मैं मिक्सी में पीसूँगी, इसके लिए मैं इसमें लहसुन और अदरक दोनों चीज़ ऐड कर दूँगी पीसने के साथ। ये देखिए हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दाल को जब पीसना है, क्योंकि ये वैसे नहीं पीसेगी, और हमें इसको ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम साइज़ में इसको पीसना है। इसमें देखिए हमने थोड़ा सा चावल का आटा भी मिलाया है ताकि उससे थोड़ी खस्ता और अच्छी बने। तो इसमें अब हम प्याज डालेंगे, आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, और हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च और काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। इसको हम मिला देंगे, इधर हमने अपना कढ़ाई हमने अपनी कढ़ाई रख के तेल डाल दिया उसके अंदर, हमने उसमें रिफाइंड डाला है और आँच जला दिए, इतने गर्म हो जाएगा तब तक। हमें इस घोल की थिकनेस इस तरीके से रखनी है, और ये देखिए हमारा इधर तेल भी गर्म हो गया, एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा डाल के। अभी हमारा तेल जो है वो गर्म नहीं हुआ है, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से इसमें होल करेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे। और इसको हम धीमे धीमे आंच पे सिकने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। हम इसको धीमे धीमे आंच पे सेकेंगे क्योंकि ये अंदर तक सिक जाएंगे, अगर हम धीमे आंच पे बनाएंगे और हम तेज़ आंच रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं सिकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।
ये हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी कि हमें मेदू वड़ा बनाकर बताएं, तो हमने इसलिए मेदू वड़ा बनाया है। और देखिए हमारे सीख गए हैं। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमारे मेदू बड़ा बनके तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें हम सॉस के साथ इंजॉय करेंगे। इसमें हमने चाट मसाला डाल दिया है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। आप इसे सांभर के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सॉस के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे ये कैसे बने हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे और खस्ता बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।